14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती या भीम जयंती। समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाई जाती है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज की स्पेशल स्टोरी। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सम्मी। अंबेडकर जयंती या भीम जयंती भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, का जन्मदिन 14 अप्रैल पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानव अधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं, और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे इन्होंने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी। रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू की और भीम जयंती के अवसरों पर बाबा साहेब की प्रतिमा हाथी के अंबारी में रखकर रथ से ऊंट के ऊपर कई मिरवड़ूक निकाली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती चैत्य भूमि में अंबेडकर के जन्मदिन पर हर साल उनके करोड़ों अनुयायी उनके जन्मस्थल भीम जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, बौद्ध धम्म दीक्षा स्थली दीक्षा भूमि नागपुर, उनका समाधि स्थल चैत्य भूमि मुंबई जैसे कई स्थानीय जगहों पर उन्हें अभिवादन करने के लिए इकट्ठा होते हैं। सरकारी दफ्तरों और भारत के बौद्ध विहारों में भी अंबेडकर की जयंती मनाकर उन्हें नमन किया जाता है। विश्व के 100 से अधिक देशों में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। गूगल ने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती 2015 पर अपने गूगल डूडल पर उनकी तस्वीर लगाकर उन्हें अभिवादन किया। 3 महाद्वीपों के देशों में यह डूडल था। सन 2016 में भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर देश तथा विश्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई। इस दिन को सभी भारतीय राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया। 14 अप्रैल 2022 को 131वीं जयंती मनाई जा रही है। इस वर्ष कुल 102 देशों में अंबेडकर जयंती को मनाया गया था। इसी वर्ष पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई, जिसमें 156 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विश्व का प्रणेता कहकर उनका गौरव किया। संयुक्त राष्ट्र के 70 वर्ष के इतिहास में वहां पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति का जन्मदिवस मनाया गया था। उनके अलावा विश्व में केवल 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जयंती संयुक्त राष्ट्र ने मनाई है, डॉक्टर अंबेडकर, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला। डॉक्टर अंबेडकर, किंग और मंडेला, ये तीनों लोग अपने अपने देश में मानव अधिकार संघर्ष के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। अंबेडकर जी उनमें से एक हैं। उन्होंने भारत के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री राम जी बलात मालोजी सकपाल महू में सूबेदार मेजर के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। उनके पिता अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने काली पलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल को जब राम जी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे तो दिन के करीब 12 बजे भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बाबा साहेब का आरंभिक काल अनुशासित रहा। बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए 14 अप्रैल को एक उत्सव से कहीं ज़्यादा उत्साह के साथ लोगों के द्वारा अंबेडकर जयंती को मनाया जाता है। इस दिन उनके स्मरणों को अभिवादन किया जाता है। जयंती के दिन भारत के कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाता है। नई दिल्ली संसद में उनकी मूर्ति पर हर वर्ष भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं तथा आम लोगों द्वारा एक अभिवादन किया गया। बौद्ध एवं हिंदू दलित लोग अपने घरों में उनकी प्रतिमा को अभिवादन करते हैं। सार्वजनिक जगहों पर लगी अंबेडकर मूर्तियों पर लोग उन्हें पुष्पमाला पहनाकर सम्मान देते हैं। उनकी मूर्ति को सामने रख लोग
परेड करते हैं, ढोल बजाकर नृत्य का भी आनंद लेते हैं। पूरे भारत भर में गांव, नगर तथा छोटे बड़े शहरों में जुनून के साथ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। महाराष्ट्र में अंबेडकर जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जाती है। अंबेडकर के जन्म दिवस उत्सव के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें चित्रकारी, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, चर्चा नृत्य, निबंध लेखन, परिचर्चा, खेल प्रतियोगिता और नाटक, जिसके लिए पास के स्कूलों के विद्यार्थियों सहित कई लोग भाग लेते हैं। इस उत्सव को मनाने के लिए सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। अंबेडकर जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाती है। अधिकांश रूप से अंबेडकर जयंती भारत में मनाई जाती है। भारत के हर राज्य में, राज्य के प्रत्येक जनपद में और जनपद के लाखों गाँव में मनाई जाती है। भारतीय समाज, लोकतंत्र, राजनीति एवं संस्कृति पर अंबेडकर का गहरा प्रभाव पड़ा है। 100 से अधिक देशों में हर वर्ष डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है।